बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन पब्लिक स्कूल क्लास 5। दिस इज़ योर इंग्लिश पीरियड एंड आई एम साइबरीन योर इंग्लिश टीचर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सिलेबस ऑफ एसे 1 एंड वी आर स्टार्टिंग आर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 इन एसे 1। ओके, एंड आर चैप्टर इज लेसन नंबर 3, द हॉर्स रेस। सो यू हैव टू ओपन पेज नंबर 27 ऑफ योर बुक with the same chapter. The first page of our chapter, the topic of the chapter is horse race. Horse race, घोड़ों की दौड़ हमारे chapter का topic है, ठीक है। हम let's start with warm up exercise. देखिए, I'm reading here. नादम is a traditional festival in Mongolia. नादम मंगोलिया देश में एक traditional festival मनाया जाता है। द फेस्टिवल इज़ ऑल्सो लोकली टर्म्ड इरिन गुरवान नादम। जो फेस्टिवल है उसको लोकली इरिन गुरवान नादम के नाम से जाना जाता है। द थ्री गेम्स ऑफ मैन, जिसका क्या मतलब है कि खेले जाने वाले तीन खेल। द गेम्स आर मंगोलियन रेसलिंग। ये तीन गेम कौन कौन से होते हैं वहाँ पर? रेसलिंग यानी कुश्ती, हॉर्स रेसिंग घोड़ों की दौड़, एंड आर्करी यानी निशानेबाजी, एंड आर हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री। और ये पूरे देश में इनका आयोजन किया जाता है ड्यूरिंग मिड समर, गर्मियों के बीच में। वुमेन हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन द आर्करी, निशानेबाजी के खेल में औरतों ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। एंड गर्ल्स इन द हॉर्स रेसिंग गेम्स, और लड़कियों ने हॉर्स रेसिंग के गेम में, बट नॉट इन मंगोलियन रेसलिंग, लेकिन रेसलिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट नादम, नादम नाम के फेस्टिवल के बारे में ये चैप्टर है, जो कि जिस फेस्टिवल में तीन गेम वहाँ पर मंगोलिया में खेले जाते हैं, और उनमें से एक खेल कौन सा है? हॉर्स रेसिंग है, और हॉर्स रेस के बारे में ही हमारा ये आज का चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। चिंगिस लिव्स विद हर पेरेंट्स एंड हर ब्रदर बाटू इन अताई मंगोलिया। चिंगिस नाम की लड़की अपने पेरेंट्स के साथ और अपने भाई बातू के साथ अताई नाम की जगह पर मंगोलिया नाम के देश में रहती है। शी एंड हर ब्लैक हॉर्स, वो और उसका काला घोड़ा आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द नादम गेम्स दिस ईयर, इस साल नादम नाम के गेम्स में हिस्सा लेने वाले हैं। ये सिचुएशन है चैप्टर की। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, चिंगिस वॉज ट्रेनिंग हर हॉर्स, चिंगिस जो थी अपने घोड़े को ट्रेनिंग दे रही थी। एज शी रोड बिसाइड अ रिवर, वो एक नदी के किनारे पर घुड़सवारी कर रही थी। अर्बन बाटूज़ फ्रेंड, अर्बन जो था बातू, उसका जो भाई था बातू, उसका दोस्त था, केम अप टू हर, वो उसके पास आया राइडिंग अ वाइट हॉर्स, सफ़ेद घोड़े पर घुड़सवारी करता हुआ। यू राइड दैट हॉर्स एवरी डे, क्या तुम इस घोड़े पर रोज़ाना घुड़सवारी करती हो? सेड अर्बन, अर्बन ने कहा। वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो? आई एम ट्रेनिंग इट, मैं इसको ट्रेन कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू राइड इट इन द नादम, सेड चिंगिस, चिंगिस ने कहा कि मैं इस साल नादम नाम के फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाली हूँ। वॉट, क्या? दैट हॉर्स, ये घोड़ा, अर्बन लाफ्ड, अर्बन हंसा। दैट्स अ स्लो हॉर्स, ये बहुत स्लो घोड़ा है। इट कांट विन, ये जीत नहीं सकता। नादम हॉर्सेज हैव टू बी फास्ट, नादम में हिस्सा लेने वाले जो घोड़े हैं वो तेज़ होते हैं। लाइक माइन, मेरी जैसा मेरा है। इस बातू गोइंग टू राइड, क्या बातू भी घुड़सवारी करने वाला है? टर्न द पेज, हेयर वी हैव टर्न द पेज। नो ही कांट, नहीं वो नहीं कर सकता, सेड चिंगिस, चिंगिस ने कहा। ही इज हर्ट, वो उसको चोट लग गई है। एंड आर ब्राउन हॉर्स ही इज हर्ट टू, और हमारा जो ब्राउन घोड़ा है, जो हमारा कत्थई घोड़ा है वो भी जख्मी है। बातू कांट राइड द ब्राउन हॉर्स दिस ईयर, बातू जो है इस साल अपने कत्थई घोड़े पर घुड़सवारी नहीं करने कर सकता। गुड, अच्छा। अर्बन लाफ्ड अगेन, अर्बन दोबारा से हंसता है, अर्बन दोबारा से हंसा। माई हॉर्स विल कम फर्स्ट देन, तब तो मेरा घोड़ा ही फर्स्ट आएगा। चिंगिस वॉच्ड हिम राइड अवे लाफिंग, चिंगिस उसको हंसते हुए जाते हुए घुड़सवारी करते हुए देखती है। देन शी रोड बैक होम, वो घुड़सवारी करते हुए अपने वापस घर अपने आ जाती है। आई डोंट वॉन्ट टू राइड इन द नादम, शी सेड टू हर मदर अनहैप्पीली, वो दुख से अपनी माँ से क्या कहती है, क्या कहा उसने? आई डोंट वॉन्ट टू राइड इन नादम, मैं नादम में हिस्सा नहीं लेना चाहती। भाई भाई, द ब्लैक हॉर्स कांट विन, हु सेज दैट? अर्बन,
क्यों क्यों, द ब्लैक हॉर्स कांट विन, ये काला घोड़ा जीत नहीं सकता। हु सेज दैट, ये किसने कहा? अर्बन, अर्बन ने। दैट बॉय, वो लड़का, एक्सक्लेम्ड चिंगिस मदर, चिंगिस की माँ ने भावनाएं जताते हुए कहा, वो लड़का, डोंट लिसन टू हिम, उसको मत सुनो, लिसन टू मी, मुझे सुनो। शी हेल्ड चिंगिस हैंड्स एंड लुकड इन टू हर आइज, उन्होंने चिंगिस के हाथ अपने हाथों में लिए एंड लुकड इन टू हर आइज, और उसकी आंखों में देखा। यू आर गोइंग टू राइड इन दैट रेस, तुम उस रेस में हिस्सा लेने वाली हो। यू डोंट हैव टू विन, तुम्हें जीतना नहीं है। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू राइड, ज़रूरी चीज़ क्या है? घुड़सवारी करना। एंड यू आर अ गुड राइडर, और तुम एक बहुत अच्छी घुड़सवार हो। चिंगिस स्माइल्ड एट हर मदर, चिंगिस अपनी माँ की बात पर मुस्कुराई। वन डे ऑफ नादम 50 चिल्ड्रन केम टू टेक पार्ट इन हॉर्स रेस, नादम के पहले दिन 50 बच्चों ने हॉर्स रेस में हिस्सा लिया। चिंगिस कुड सी मैनी ऑफ हर फ्रेंड्स, चिंगिस जो थी वो अपने बहुत सारे दोस्तों को देख सकती थी। अर्बन वॉज देयर टू, अर्बन भी वहाँ पर था। आई एम रीडिंग हियर स्टूडेंट्स, अर्बन वॉज देयर टू, अर्बन भी वहाँ पर था। ऑन हिज वाइट हॉर्स, अपने सफ़ेद घोड़े पर। वैन ही सॉ चिंगिस, जब उसने चिंगिस को देखा, ही लाफ्ड, वो हंसा। आई टेल यू योर हॉर्स इज़ नॉट गोइंग टू विन, माई हॉर्स इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वन, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम जीतने नहीं वाली हो, मेरा ही घोड़ा फर्स्ट आने वाला है। चिंगिस डिसाइडेड टू इग्नोर हिम, इग्नोर कहते हैं बच्चों किसी पर ध्यान ना देना, किसी की बात को इग्नोर कर देना। चिंगिस डिसाइडेड टू इग्नोर हिम, चिंगिस ने तय कर लिया था कि वो उसको उस पर उसकी बात पर ध्यान नहीं देगी। एज द रेस स्टार्टेड, जब रेस स्टार्ट हुई, एवरीवन शाउटेड, हर कोई चिल्लाया, एंड चीयर्ड, और खुशी से चीयर किया। द चिल्ड्रेन रोड अवे ओवर द हिल, बच्चे जो थे वो पहाड़ी तक घोड़े दौड़ाते हुए चले गए। सून, जल्दी ही, चिंगिस कुड नॉट सी द अदर चिल्ड्रन, चिंगिस जो थी वो दूसरे बच्चों को नहीं देख सकती थी। शी कुड ओनली सी द डस्ट, उसको सिर्फ क्या दिखती थी? धूल दिखती थी। इट वॉज इन हर आइज, वो उसकी आंखों में थी, एंड इन हर माउथ, और उसके मुंह में भी थी। शी हेल्ड ऑन द हॉर्स रीन्स, शी हेल्ड, वो पकड़े हुए थी ऑन द हॉर्स रीन्स। हॉर्स रीन्स कहते हैं बच्चों जो घोड़ा चलाते वक्त हम जो पट्टा पकड़े हुए होते हैं वो, तो वो सिर्फ वही पकड़े हुए थी। एंड द हॉर्स गैलप्ड, और जो हॉर्स था वो गैलप्ड एंड गैलप्ड, यानी ज़ोर ज़ोर से जो हॉर्स था वो मूव कर रहा था, चल रहा था। और जो उसके फास्ट मूवमेंट थे, तेज़ तेज़ जो उसके मूवमेंट्स थे हॉर्स के, वो उसकी चारों टांगों के वो ग्राउंड पर ज़ोर ज़ोर से पड़ रहे थे, यानी हॉर्स ज़ोर ज़ोर से भाग रहा था, जिसकी वजह से धूल उड़ रही थी, और वो सारी धूल उसकी आँखों और मुँह में आ रही थी। किसके? चिंगिस के। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, दे रीच्ड अ रिवर, वो नदी के पास पहुँच गए। द वाटर हेयर वॉज शैलो, यहाँ पर पानी जो था वो शैलो था, शैलो कहते हैं ज़्यादा गहरा ना होना। द अदर चिल्ड्रन वर ऑलरेडी राइडिंग टू द अदर साइड, दूसरे बच्चे जो थे वो पहले ही दूसरी साइड पर राइडिंग कर रहे थे। चिंगिस हॉर्स रेन इन टू द शैलो वाटर स्प्लैश, चिंगिस का हॉर्स जो था वो इस पानी में स्प्लैश हो गया, यानी इस पानी में उसने गिर गया। टर्न द पेज राइट देन, एज शी लुकड अक्रॉस द रिवर, तभी, राइट देन, तभी शी लुकड अक्रॉस द रिवर, उसने नदी के पार देखा। चिंगिस सॉ बॉय, चिंगिस ने एक लड़के को देखा, फॉल ऑफ हिज हॉर्स ऑन द अदर साइड, जिसका घोड़ा, जो के घोड़े पर से गिर गया था दूसरी तरफ। द हॉर्स डिड नॉट स्टॉप, लेकिन घोड़ा नहीं रुका था। द हॉर्स डिड नॉट स्टॉप, लेकिन घोड़ा नहीं रुका था। इट गैलोप्ड अवे, वो यानी वो धूल उड़ाता हुआ ज़ोर ज़ोर से अपने पैरों के मूवमेंट्स करता हुआ दौड़ता चला गया। द अदर चिल्ड्रेन टू कैप्ट राइडिंग, दूसरे बच्चे भी घुड़सवारी कर रहे थे। द बॉय सेट अप स्लोली ऑन अ रॉक बिसाइड द रिवर, लेकिन जो लड़का घोड़े से गिर गया था वो धीरे से वहाँ पर पड़े हुए एक पत्थर पर नदी के किनारे बैठ गया था। चिंगिस रोड अक्रॉस द रिवर एंड स्टॉप्ड बिसाइड द बॉय, चिंगिस जो थी वो नदी के पार आई, अक्रॉस द रिवर एंड स्टॉप्ड, और रुक गई बिसाइड द बॉय, लड़के के पास। इट वॉज अर्बन, ये अर्बन था। एज चिंगिस गॉट ऑफ हर हॉर्स,
चिंगिस अपने घोड़े से उतरी, शी सॉ ब्लड ऑन अर्बन्स हेड, उसने अर्बन के सर पर खून देखा। अर्बन आर यू ऑल राइट शी आस्क्ड, उसने पूछा, अर्बन क्या तुम ठीक हो, अर्बन क्या तुम ठीक हो, माय हॉर्स सेड अर्बन इन डेज्ड वॉइस, अर्बन जो था वो बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में था, डेज्ड वॉइस दिस वन यानी बहुत शॉकिंग आवाज़ में उसने कहा, क्या कहा, माय हॉर्स मेरा घोड़ा, वेयर इज़ माय हॉर्स मेरा घोड़ा कहाँ है, इट इज़ रनिंग विद अदर हॉर्सेस, ये दूसरे घोड़ों के साथ में दौड़ रहा है, इट इज़ रनिंग विद अदर हॉर्सेस यानी जो अर्बन था वो घोड़े पर से गिर गया था और लेकिन उसका घोड़ा रुका नहीं था, वो दौड़ता चला जा रहा था दूसरे हॉर्सेस के साथ रेस में। आई कांट फिनिश द रेस विदाउट माई हॉर्स, मैं अपने घोड़े के बगैर अपनी रेस पूरी नहीं कर सकता, अर्बन क्राइड अर्बन चिल्लाया, ही ट्राइड टू स्टैंड अप, वो उसने खड़े होने की कोशिश की, बट देन ही गेव अ क्राई, लेकिन तभी उसको रोना आया, एंड फेल टू द ग्राउंड अगेन, और वो दोबारा से ग्राउंड पर गिर गया। चिंगिस सॉ दैट ही हैड ब्लड ऑन हिज लेग टू, चिंगिस ने देखा कि उसकी टांग पर भी खून था। सिट एंड रेस्ट अर्बन सेड चिंगिस, चिंगिस ने कहा बैठ जाओ और आराम करो। शी वेट हर हैट इन द वाटर, उसने अपना जो हैट था वो पानी में भिगोया, पानी में गीला किया, एंड वाइप्ड अर्बन हैड, और उसने अर्बन का सर पोछा, एंड फेस, और उसका फेस भी पोछा अपने गीले हैट से। यू हैव टू गेट बैक टू योर पेरेंट्स शी सेड, दैट लेग लुक्स बैड, अब उसने क्या कहा कि यू हैव टू गो बैक, तुम्हें वापस जाना है, टू योर पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के पास, उसने कहा दैट लेग लुक्स बैड, तुम्हारी जो टांग है वो बहुत बुरी लग रही है, यानी उसकी टांग लग रहा है जिसे जख्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। बट माई हॉर्स, लेकिन मेरा घोड़ा, यू कैन राइड ऑन माई हॉर्स विद मी, क्या तुम, अब अर्बन कहता है कि मेरा घोड़ा तो है नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। यू कैन राइड ऑन माई हॉर्स विद मी सेड चिंगिस, कैन यू स्टैंड अप, चिंगिस कहती है कि तुम मेरे घोड़े पर बैठकर मेरे साथ राइड करते हुए चलो, क्या तुम खड़े हो सकते हो, चिंगिस पूछती है अर्बन से, क्या तुम खड़े हो सकते हो। शी हेल्प अर्बन टू स्टैंड अप, उसने अर्बन की मदद की खड़े होने में, इट वॉज डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल था, बट शी मैनेज्ड, लेकिन उसने मैनेज कर लिया टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने का, ऑन टू द हॉर्स, उसको घोड़े पर बिठाया। दे वर नाउ अ लॉन्ग वे बिहाइंड द अदर्स, अब वो दूसरों से बहुत दूर आ गए थे, दूसरे राइडर्स से, दूसरे पार्टिसिपेंट्स से बहुत दूर आ गए थे। एट द स्पोर्ट्स फील्ड अ मैन शाउटेड दे आर कमिंग, स्पोर्ट्स फील्ड पर एक आदमी चिल्लाया वो आ रहे हैं। द चिल्ड्रन वर कमिंग बैक टू फिनिश द रेस, बच्चे जो थे रेस फिनिश करके वापस आ रहे थे। अ वाइट हॉर्स रेन बिफोर ऑल द अदर्स बट इट हैड नो राइडर, एक सफ़ेद घोड़ा जो था वो सबसे आगे था, रेन बिफोर ऑल द अदर्स सबसे आगे था, बट इट हैड नो राइडर, लेकिन इसके ऊपर राइडर नहीं था, यानी इसके ऊपर बैठा हुआ कोई पार्टिसिपेंट नहीं था। इट वॉज अर्बन हॉर्स, ये अर्बन का घोड़ा था। इट फिनिश्ड फर्स्ट एंड अलोन, इसने सबसे पहले रेस फिनिश की लेकिन अकेले। एज द अदर्स केम अप, जैसे दूसरे आए, एज द अदर केम अप, जैसे ही दूसरे लोग आए, एवरीवन चीयर्ड, हर एक ने चीयर किया, एंड रैन टू द यंग राइडर्स, और छोटे छोटे जो राइडर्स थे उनको जो है चीयर किया। बट वेयर वर चिंगिस एंड अर्बन, लेकिन चिंगिस और अर्बन कहाँ थे। अ डॉक्टर वॉज सून चेकिंग अर्बन्स लेग एंड हेड, एक डॉक्टर ने जल्दी ही अर्बन की टांग और सर को चेक किया। हिज पेरेंट्स वर रिलीव्ड टू हियर, उसके पेरेंट्स को सुकून रहा ये सुनकर, दैट ही वॉज गोइंग टू बी ऑल राइट, कि वो ठीक हो जाएगा। देन दे हर्ड द अनाउंसमेंट, फिर उन्होंने ऐलान सुना, अनाउंसमेंट सुना, क्या सुना अनाउंसमेंट में, द विनर ऑफ टूडेज रेस इज द वाइट हॉर्स, आज की रेस का जो विजेता है वो सफ़ेद घोड़ा है, वाइट हॉर्स, द राइडर हैज़ टू राइड इट इन फ्रंट ऑफ द क्राउड, लेकिन उसका जो घुड़सवार है उसको सबके पूरी क्राउड के सामने उसके उस पर राइड करना है, ये कहा गया। एवरीवन लुक्ड एट अर्बन, हर एक ने अर्बन को देखा। आई कांट राइड इट विद माई बैड लेग, मैं अपनी इस टांग के साथ में राइड नहीं कर सकता, सैड अर्बन, अर्बन ने कहा चिंगिस यू शुड राइड इट, तुम्हें इस पर राइड करना चाहिए। सो चिंगिस रोड द वाइट हॉर्स इन फ्रंट ऑफ द क्राउड एंड रिसीव द विनर्स कप, तो चिंगिस ने सब पूरे पूरे भीड़ के सामने, पूरे क्राउड के सामने वाइट हॉर्स पर राइड किया,
व्हाइट हॉर्स पर घुड़सवारी की एंड रिसीव द विनर्स कैप कप और उसी को विनर का विजेता का कप भी मिला। इजेंट माई सिस्टर अ गुड राइडर, सेड बातू प्राउडली। बातू ने पूरे गर्व से कहा कि क्या मेरी बहन एक अच्छी राइडर नहीं है। येस शी इज, सेड अर्बन। अर्बन ने कहा हाँ वो है। देन ही टर्न टू चिंगिस, फिर वो चिंगिस की तरफ मुड़ा। एंड यू आर अ गुड फ्रेंड टू, और तुम एक अच्छी दोस्त भी हो। थैंक यू चिंगिस, उसने चिंगिस को शुक्रिया अदा किया क्योंकि चिंगिस ने उसकी हेल्प की थी। सो इट वॉज योर चैप्टर द हॉर्स रेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। यू हैव टू रीड द चैप्टर वन और टू टाइम्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। ओके, गुड बाय।